नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। पुलवामा हमले के बाद से ही सेना को मजबूत बनाए जाने की दिशा में तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सेना के लिए और भी अधिक उत्तम हथियार खरीदे जा रहे हैं। सरकार ने पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए थल सेना, वायु सेना, जल सेना को अहम हथियार खरीदने के अधिकार दिए, और ऐसा करने से सेना के तीनों अंगों के पास 300 करोड़ तक के प्रत्येक खरीद प्रस्ताव को मंजूरी देने की क्षमता होगी। सरकार ने सीमा पर मजबूत तैयारियों के लिए सेना को हथियार और सैन्य हार्डवेयर आपात अधिकार दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने रक्षा खरीद के कुछ नियमों को आसान बनाया है। तीनों सेनाओं को हथियार और अन्य उपकरण एक ही वेंडर से खरीदे जाने की मंजूरी दे दी गई है। बताते चले कि पिछले साल मार्च में ही रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेना के प्रमुखों को अतिरिक्त वित्तीय अधिकार दिए थे। ऑपरेशन संबंधी तैयारी के लिए उन्हें 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए दिए गए थे। आपको बता दें, पुलवामा हमले को पाकिस्तान आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया था, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया था। हालांकि हवाई हमले के बाद पाकिस्तान ने भी हवाई हमले का दुस्साहस किया था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उसके F-16 विमान को मार गिराया था। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को खदेड़ते समय भारतीय वायुसेना का MiG-21 गिर गया था। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को बंदी बना लिया, लेकिन भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान को भारतीय पायलट अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव अब भी कम नहीं हुआ है। अब भी फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान के आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश जारी है, जिसे भारतीय सेना लगातार नाकाम करती आ रही है। एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तानी सेना ने 513 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पुलवामा हमले के बाद से ही सेना को खुली छूट दे रखी है। सरकार से मिली छूट के बाद से ही सुरक्षा बल आतंकियों पर काल बनकर बरसे। अब तक कई आतंकी मारे जा चुके हैं और कई निशाने पर हैं। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है।